दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जनपद मिर्ज़ापुर में कई राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गया है। आज जिस तरीके से कन्नौज में अखिलेश यादव के नामांकन के बाद खास तौर पर समाजवादी पार्टियों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है, हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर के लोकसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से राजेंद्र बिंद जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। धन्यवाद सर आपके टीवी 100 को, क्योंकि आप मेरी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहा जा रहा है कि अब वक्त बहुत कम है और आपके पास प्रत्येक मतदान केंद्रों तक अपनी बात रखनी है और पहुंचानी है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग हमारी जो तैयारी है बहुत मजबूती से कर रहे हैं। हमने बूथ सेक्टर पूरे मजबूत हमने कर दिए हैं और हमारी बात जो है हमारे बूथ सेक्टर के लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पिछले 10 सालों में जो अनुप्रिया पटेल है अपना दल, इनको यहाँ की जनता ने जो प्रेम देकर इनको जिताने का काम किया, इनसे आशा रख रहे थे यहाँ की जनता कि वो उनके समस्याओं पर काम करेंगी, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, बिजली जो है घरों में बिजली नहीं आ रही है, पानी जो इनका एक मुहिम चला है घर घर जल घर घर नल, ये इनकी ये जो चीज़ें हैं इनकी जो योजना है वो फेल है। आज आप हलिया लालगंज में आप देखिए, हमारी बहनें माताएं 10-10 किलोमीटर से पानी लेकर आना पड़ रहा है उनको, ये समस्याओं को, जबकि इनके पास 10 साल का समय था, 10 साल में इन्हें काम करना चाहिए था, लेकिन ये झूठे वादे पर चल रही हैं। अभी इनके जो लोग हैं इनके प्रचार कर रहे हैं कि हमें वापस से जिताइए तब हम आगे काम करेंगे। इनको 10 साल दिया गया था, इन्होंने कोई काम नहीं किया जनता का, तो जनता इनसे नाराज़ है। और मैं आपको आपके चैनल से मैं यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से अगर आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो मैं जनता के साथ में 2400 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। जो भी समस्या है वो मैं करूँ, उसको निदान करने का काम करूंगा। ठीक है, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से NDA सरकार का दावा है कि हर घर जल नल योजना से लोगों को जल उपलब्ध है, आयुष्मान कार्ड के चलते उनका 5 लाख का बीमा है, चाहे वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनका दावा है कि वो मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय का निर्माण वो करा रहे हैं, आपको लगता नहीं कि मुफ्त में जिस तरीके से लोगों को अनाज वितरित हो रहा है, उसके बाद किसान सम्मान निधि लोगों के खाते तक पहुँच पा रहा है, आपके लिए चैलेंज देगा रास्ते में? देखिए, ये सब झूठे वादे हैं जो आप बोल रहे हैं। सिलेंडर जो 400 रुपये में मिल रहा था वो आज 1200 रुपया, इन्होंने 10 साल पूरे जनता को लूटा है। आज अगर वो 100 रुपया 200 रुपया अगर सस्ता भी कर देंगे तो आप सोचिए, गिनिए पिछले 10 सालों में अगर हर महीने में उन्होंने 1200 रुपया सिलेंडर करके पैसे जो इकट्ठा किए हैं, वो पैसा अगर 100 रुपया कम भी कर देंगे तो उससे क्या होगा। इन्होंने कहा था कि इनके साथ में जो मिली जुली सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने नौकरियां देने में असफल रहे। ये सब झूठे वादे हैं, झूठे। इनको सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि अब ये फिर से झूठे वादे कर रहे हैं और हमारी जनता जान गई है कि ये झूठे वादे कर रहे हैं और इनके झूठे वादों में झूठे गारंटी में नहीं आएंगे। हाँ, जो गारंटी बोल रहे हैं, गरीबी की गारंटी दे सकते हैं वो, बेरोजगारी की गारंटी दे सकते हैं वो, बच्चों को पकौड़ा पकाने के लिए तलने के लिए मजबूर कर सकते हैं उसकी गारंटी दे सकते हैं, और जो आप जो बोल रहे हैं घरों का बात, यहाँ पर जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, मुझे ये भी पता लगा उन्होंने जो आवास बनाए हैं टीना वाले आवास, जिसका 1.5-2 लाख रुपये खर्चे होते हैं, उसका 10-10 लाख रुपये निकाल कर इतनी बड़ी घपला हुआ है यहाँ पर, ये जनता जानती है। अच्छा सर, जाति जनगणना आपकी सरकार कराएगी अगर विजयी होती है NDA सरकार? 100% जो मांग है जाति जनगणना करवाई जाएगी, और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, हमारी सरकार आती है तो मैं आपको ये भी बता दूँ, जो हर घर में जो बुजुर्ग महिलाएं उनको 1 लाख रुपया देने का भी काम करेंगे। बहुत धन्यवाद राजेंद्र बिंद जी, आपने हमसे बात किया, समय निकाला, तो स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा। राजेंद्र बिंद के मुताबिक स्थानीय समस्या पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तमाम बेरोजगारी को लेकर, अव्यवस्था को लेकर और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर
राजेंद्र बिंद इस वक्त गली कूचे चौराहों पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।